केंद्र सरकार जल्द ही युवाओं के लिए नई यूथ पॉलिसी लेकर आने जा रही है, क्या खास होगा इस यूथ पॉलिसी में? इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह साहब। सर, किस तरह की पॉलिसी होगी सर? खास तौर से जिस इस पॉलिसी में, जहां हमारे पास 50% युवा हैं इस देश के अंदर, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने खास तौर पर ध्यान रखा है, एजुकेशन के ऊपर ध्यान रखा है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान रखा है। आज बहुत जरूरत है कि जो हमारी युवा शक्ति है वो सही रास्ते पर चले, उनकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज होनी चाहिए। इसीलिए जो आज वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज हमारी आज घट रही हैं, आज देश की परंपरा है, एक जो संस्कृति हमारी उसकी भी है, उसके लिए भी हमने इस यूथ पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट रखा है। कौन कौन से मुद्दे हैं सर जिनमें अहम काम किया जाएगा? देखिए, मेरा सबसे मानना यह है कि आज की जो युवा हैं उनको आगे के लिए, अपने जब वो स्कूल कॉलेज खत्म करते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है, एम्प्लॉयबल। आज युवाओं की इतनी संख्या बढ़ गई है लेकिन एम्प्लॉयमेंट की जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। दूसरा, स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारे युवा जो हैं वो एक तरह से ज़्यादा समय कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स और आज की जो नई टेक्नोलॉजी में लगाते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, तो स्पोर्ट्स को हमने इसमें प्राथमिकता दी। करीब 14 लाख कैडेट हैं एनसीसी के अंदर, उनको किस तरह का फायदा मिलने वाला है? देखिए, खास तौर से सबसे बड़ा फायदा तो इसको हमारे पूरे देश के अंदर स्पोर्ट्स को लेकर हमने जो एक नई नीति बना रहे हैं उसको भी हम बहुत जल्दी लेके सामने आ रहे हैं, उसको उनको मिलने वाला है। दूसरा, जो एनसीसी को हमने जो दूसरे मंत्रालय हैं उनके साथ जोड़ने का काम इस यूथ पॉलिसी से किया है, तो सबसे बड़ा उसका फायदा होगा कि एनसीसी को और ज्यादा फंडिंग मिल सकेगी। एनसीसी को जो देश में और विदेश में अलग अलग कार्यक्रम जो दूसरे मंत्रालय चला रहे हैं उनके अंदर भाग लेने का मौका मिल पाएगा, और एनसीसी की हम स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम तो हमने शुरू कर ही दिया है। तो ये थे रक्षा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह साहब, जो बता रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्य कदम उठाए जाएंगे इस नई नेशनल यूथ पॉलिसी के अंदर। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD News, दिल्ली।